वाईसीसी टैरिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला सहोली के ग्राउंड पे सहोली बनाम चौमुखा के बीच खेला गया, जिसमें चौमुखा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 164 रन का लक्ष्य प्राप्त किया। सहोली टीम को बनानी थी 165 रन, लेकिन 100 से ही नीचे ऑल आउट हो गए। इस मैच के मुख्य अतिथि के रूप में मुन्ना शाही राजद नेता राजेश्वर यादव, महासचिव आरजेडी नोमान अहमद उर्फ कक्कू बाबू, हसनपुरा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बुबुन देवी पति शंभू यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 साकिर इमाम प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी बिहार सरकार MS नगर थाना हसनपुरा के SI मुन्ना यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। टड़ीला का टूर्नामेंट खेलाया जा रहा है, जिसका आज फाइनल मुकाबला खेला गया है रफीपुर बनाम चमुखा के बीच में। इसमें क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2013 से ही मैच करा रहा हूँ YCC टड़ीला के नाम से। हमने 4 साल अपने गाँव में खेला है, उसके बाद 2 साल वहाँ कराए तेलकत्थू में और 3 साल यहाँ, यानी 8 सालों से हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। यहाँ के रफीपुर पंचायत के लोगों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमको तन मन धन से लोगों ने हमको मदद करते हैं क्षेत्र संख्या 13 के जिला परिषद बुबुन देवी पति शंभू यादव हमारे अपने बेटा के तरह इस मैच में सहयोग करके हमको आगे बढ़ाने के। अपना परिचय दे दे। मनोज कुमार यादव जी। सर, YCC टड़ीला करीब 8-9 साल से मनोज यादव के द्वारा खेलाया जा रहा है सहोली के मैदान में, और वहाँ आप मुख्य अतिथि के रूप में अगले मैच में भी थे, इस मैच में भी हुए हैं, तो युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और फाइनल मुकाबले में क्या कुछ देखने को मिला? हम युवाओं को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये लोग हर साल की भांति अगले साल आगे तक ये लोग खेलते जाए, जो भी कोऑपरेट होता है हम पहले से भी करते हैं आगे भी करेंगे, और इन लोगों का मनोबल जो है हाई हम करते हैं, ये लोग खेलते रहें और युवाओं को नया संदेश देते रहें, ताकि इस खेल जगत में नए नए प्रतिभाशाली लड़के आएं और अपना खेल दिखाएं। अपना परिचय दो सर। मेरा नाम शंभू यादव हुआ जी। सर, YCC टड़ीला का आज फाइनल मुकाबला खेला गया है रफीपुर बनाम चमुखा के बीच, और आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, तो क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खेल जो है हार जीत का तो खैर दो पहलू है, कोई जीतता है कोई हारता है। जीत वाली चौमुखी टीम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और जो रफीकपुर हारी है उसको ही मेरे तरफ से शुभकामनाएं। खेल जो है आपसी भाईचारा को एक करता है, और ये बहुत अच्छी पहल है कि मान लीजिए कि जो क्षेत्रीय गांव है वहाँ की टीमें आती है खेलती है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मनोबल भी अच्छी होता है, जिससे कि मैंने क्या बोला जाए, वो ये अच्छी एक तरह से पहल है।